हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे जो मैंने एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है और जो कि बेस्ड किस पे है, बोडामास पे बेस्ड है। तो बोडामास रूल आप सभी को पता है कि क्या होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ वाला ऑपरेशन जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी हम बोडामास रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर है, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप ये देखो कि जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हो किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिया, यहाँ पे डिवीजन 16 इंटू 8 डिवाइड 2 और 2 प्लस 16 इंटू 8 डिवाइड 2 ये गिवन है। तो जब हम इसको किसी भी एक्सप्रेशन को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हम पहले डिवीजन को ही सॉल्व करें। अगर पहले मल्टीप्लीकेशन आ गया तो हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करके फिर डिवीजन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है क्या, जैसे यहाँ पे 8 डिवाइड 2 दिया तो हम उसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 लिख देंगे, इजिली वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हो डिवीजन पहले सॉल्व करते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाने में जो सबसे पहले आ रहा है, सपोज मल्टीप्लीकेशन पे आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं और डिवीजन आ रहा है तो हम डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं तो पहले हमारा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया फिर डिवीजन सॉल्व किया हमने, या अब जो रूल है आपका, ठीक है, कि पहले डिवीजन सॉल्व करके देन मल्टीप्लीकेशन, तो उससे भी हमने कर लिया तो उससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी, अगर आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हो एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो भी पहले आ रहा है, सपोज एडिशन पहले आ रहा है तो आप एडिशन कर सकते हो, माइनस पहले आ रहा है तो माइनस कर सकते हो, उससे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर्स दोनों ही केस में आपके सेम आएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, कोई एक्सप्रेशन गिवन है, आपने लेफ्ट से देखा, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आ गया तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद डिवीजन सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हम पहले डिवीजन को करें उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन को करें, हमारे दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। जैसे कि हमने अभी ये एग्जांपल में देखा, हमने क्या किया, आपका 16 इंटू 8 था, लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो पहले मल्टीप्लीकेशन आ गया तो हमने वो सॉल्व करके फिर डिवीजन किया फिर ऐड किया, हमारा आंसर दोनों ही केस में, फिर दूसरे केस में क्या किया, डिवाइड किया देन मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो आंसर हमारा क्या आ रहा, सेम आ रहा, ठीक है। तो अभी इसी का यूज़ करके चलिए प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, तो उसको ट्राई करो कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, छोटे छोटे एक्सप्रेशन में हम ब्रेक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे मान लो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम ही जो गिवन थी, इसको हम छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे, जहाँ पर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है हम वहाँ से वहाँ तक ब्रेक करते हैं। जैसे हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से आप यहाँ तक देखो, या तो ऑफ है, या तो डिवीजन है, या तो मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे हमारा ये प्लस साइन आ गया, तो हमने ये पूरा एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फिर दूसरा एक्सप्रेशन जो हम लेते हैं 21 से लेकर के ये 18 तक ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, 3 और 2 को ले लेते हैं, फिर ये प्लस साइन आ गया, तो अब ये 3 एज इट इज इसको लिख लेंगे हम, बाकी माइनस साइन के बाद ये सारे एक्सप्रेशन, ठीक है, इनको हमने एक ले लिया। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को, यानी 3 डिवाइड 18 ऑफ 3 इंटू 6। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑफ को पहले सॉल्व किया तो 3 डिवाइड 54 और ये मल्टीप्लीकेशन 6, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 3 बाई 54, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा 1/3। इसकी वैल्यू आ गई 1/3, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 1/3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब दूसरा हमारा क्या था, ये था, इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 21 इंटू 6/18, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दिस प्लस 7, और ये क्या हो गया आपका 3/2, तो इसको हमने लिख लिया माइनस 3/2, उसके बाद प्लस 3 को हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन था, 3 डिवाइड ऑफ को सॉल्व किया 9 ऑफ 3, तो 27 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 3/27 हो गया ये डिवीज़न, देन मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये हो गया आपका 3 और ये कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, दिस माइनस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने पूरा 6, तो ये हो गया 2 प्लस 42 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 6,
which is equal to आ जाएगा 47/6। तो इस तरह से आप उसको जो बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको छोटे छोटे में हमने ब्रेक किया और फटाफट सॉल्व करके बस वैल्यू पुटअप की और सॉल्व कर लिया उसको। तो आपको कहाँ से कहाँ में ब्रेक करना, जहाँ भी आपके प्लस और माइनस साइन है बीच में तो वहाँ से सेपरेट करो कि एक एक्सप्रेशन पूरा जो वो वहाँ से सेपरेट हो, फिर दूसरा वहाँ हो, फिर अगेन कोई माइनस या प्लस का साइन आ गया तो वहाँ से दूसरा सेपरेट करो। इस तरह से हमने उसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक किया और फिर लास्ट में सबको असेंबल करके फिर सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी और प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको करना कैसे है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब सेकेंड प्रॉब्लम में क्या, आप ये देखो कि सबसे पहले हमें तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ, अभी ब्रैकेट के अंदर के ये 4 - 2 हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ 6। 6 ये कैसे आ गया, हमने ये डिवाइड किया 6 को 2 से। ठीक है, तो 2 × 3 ये आपका क्या हो गया, 6 आ गया। तो 3/4 ऑफ 6 तो ये हो जाएगा 3/24। 4 ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, तो इस केस में ये हमें मिल गया 1/8। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 4/12। ठीक है, तो ये 4/12 कितना हो गया हमारा, 4 × 1/8। तो हमारा ये एक्सप्रेशन कितना आ गया, ये आ गया 1/8। तो अब हमारा इक्वेशन जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 4/12 ऑफ 1/8 माइनस ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग सेपरेट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक, और फिर लास्ट में ये 3 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसको सेपरेट किया और फिर ये सेपरेट किया और फिर 3 को ऐसे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन था। तो यहाँ से हमने इसको एक एक्सप्रेशन ले लिया, इसको दूसरा ले लिया और इसको 3 को एज इट इज ले लिया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4। ये डिवीजन हमारा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 ऑफ 1/8 कितना होगा, 12/8, बट इसको मल्टीप्लीकेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 8/12 हो जाएगा ये माइनस। तो यहाँ 4 × 8/12 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 6, तो ये भी 12/8 हो गया आपका 12/8, तो माइनस 12/8 एंड देन प्लस 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 64 - 36 प्लस 72/24 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया हमारा 100/24 50/12 विच इज इक्वल टू 25/6। और इसको हम लिख सकते हैं 4 1/6। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4/4 1/6। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गलत भी नहीं होगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा करते टाइम ध्यान रखना है कि कहीं पे कुछ मिस ना हो जाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे डिवीजन था तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया या समथिंग जो भी है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में ब्रेक करके तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी एडिशन और माइनस वाला जो साइन है वहाँ से आपको एक एक पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक कर लेंगे, जहाँ पर भी एडिशन या माइनस का साइन है वहाँ से उस तरीके से फिर हम सारी वैल्यू पुटअप करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तब करते हैं अपनी थर्ड वाली प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड प्रॉब्लम में ये गिवन है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना जाएगा, 1/2। अब ये 1/8 लेफ्ट टू राइट में 1/8 डिवीजन पहले हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा 8 एंड देन 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली कट आउट होकर के ये आ गया हमारा सिंपल 1। तो ये जो ब्रैकेट वाले टर्म थे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारे जो गिवन इक्वेशन था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 16/5 देन डिवाइड 9/2 ऑफ 16/3 प्लस 1/8 डिवाइड 1/2 ऑफ 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, और बाहर हमारा किससे मल्टीप्लीकेशन था, 1/4 से, तो ये कितना बन गया, -1/4। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक लेकर के दूसरा एक्सप्रेशन, और ये 1/4 दिन लास्ट में, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/5 डिवाइड 144/6, ठीक है। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 16/5, ये हो जाएगा 6/144। को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपका 2/15, ठीक है। तो ये तो हो गया 2/15। अब ये वाला टर्म जो था, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/15, और ये जो टर्म था इसका क्या हो जाएगा, ये 1/8 इंटू, अब ये 1/2 ऑफ 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8, और ये डिवीजन था इसको हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, तो 1/8 का क्या हो जाएगा, 8/1, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/15 + 1, जो ये हमारा -1/4 था ये हमने लिखा, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 8 + 16 - 15 अपॉन, एलसीएम ले लिया तो 60 हो गया हमारा, 8 + 60 - 15 अपॉन 60, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 53/18, ठीक है। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 53/18। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स थे, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब ब्रैकेट्स हमारे खत्म हो गए सारे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ से प्लस और माइनस का साइन है वहाँ से गिवन एक्सप्रेशन को छोटे छोटे उसमें ब्रेक किया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर ये इजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट में है, और ये पूरा एक ब्रैकेट में है, जिसको कि हमें सॉल्व करके डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट के टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम सेपरेशन कर देते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे अलग से और फिर ये सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसको कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 4/7 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका, 14/5 आपका मतलब मल्टीप्लाई, एंड इंटू 5/3, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 8/3, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 7/2 - 13/6 विच इज इक्वल टू 21 - 13/6 विच इज हमारा ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। 8/6 आएगा, जिसको कि हमने सिंप्लीफाई किया तो 4/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा दो टर्म, यानी कि बेसिकली हमारा क्या हो गया, जो पहले वाला टर्म था वो हो गया 8/3, और नेक्स्ट हमने किसको किया था सॉल्व, ये किया था, तो 4/3 हो गया। अब डिवाइड, अब ये वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16/5 डिवाइड 9/2 ऑफ, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16/3, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, थ्री जे 9 2 8 जे 6, तो यानी कि ये हमारा हो गया 16/5 डिवाइड 24 आया, तो 24 इसको कि हमने लिख लिया 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/24, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2/15, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइड कर लिया इसको 2/15, तो ये हम कर लेंगे। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और ये डिवीजन हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और ये हो गया 15/2, दिस इज इक्वल टू 10, 3 5 = 15, 2 2 = 4, ये आ गया हमारा 10। द लास्ट प्रॉब्लम, तो लास्ट प्रॉब्लम में आपको इस तरह से गिवन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में न्यूमरेटर में कुछ गिवन है और डिनोमिनेटर में भी कुछ गिवन है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारा जो है एक्सप्रेशन वो क्या है, 7 + 8 × 8 / 8 + 8 × 4 / 4, ठीक है, ये आपको गिवन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कहाँ से ये 7 का एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद 8 से लेकर के यहाँ तक के एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव 7 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
ये हो जाएगा 8 into 8, ये है तो 8 of 8 कितना हो जाएगा आपका 8 into 8, ये डिवाइड, 8 of 8 हो गया 64, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई क्या होके क्या हो जाएगा, 64 divide 64 यानी कि 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट फिर ये वाला टर्म हमारा दिस प्लस ये कितना हो गया 8 divide 8 into 4 of 4, तो 4 of 4 ये हो गया 8 divide 8, और 4 of 4 into 16 हो गया। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो गया इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 8 by 8 1 हो गया, 16 आ जाएगा ये, ठीक है। 8 by 8 1 1 into 16 ये हो गया 16, तो सिंप्लीफाई होके ये क्या बन जाएगा 24, यानी हमारा न्यूमरेटर किसके बराबर आ गया 24 के। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या गिवन था तो हम इसको भी सेपरेट कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एडिशन साइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ पे भी प्लस और माइनस का साइन है वहाँ से हम सेपरेट करके उसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 या 4 by 16 हो जाएगी क्योंकि 4 divide 4 है, ऑफ 4 of 4 तो 16 हो गया, तो 4 divide 16 तो 4 by 16 हमने लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका 4 divide 4 1 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 divide 4 of 2 है, तो यानी कि 4 by 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 of 2 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक। यानी कि D हमारा क्या बेसिकली 4 by 16, 1 by 4 ही लिख लेते हैं, 1 by 4 प्लस 4 minus 1 by 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया हमने, 1 plus 16 minus 2 विच इज इक्वल टू 15 by 4, ठीक है। तो अब हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने वैल्यू पुट अप की, तो न्यूमरेटर कितना था हमारा 24, ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना आया था 15 by 4 विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओके क्या हो जाएगा 6 by 6.4, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6.4। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम होती है जो बोर्ड एमएस पे बेस्ड होती है तो उनको हम छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के लिए जहाँ भी आपका प्लस साइन और माइनस साइन है वहाँ से एक एक टर्म को आप लो और सबको अलग अलग सॉल्व करके फिर हम पुटअप करके वैल्यू सॉल्व फाइंड आउट कर लेंगे जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो बोडामास पे थे वो आज की वीडियो में हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे जो कुछ जो होंगी वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो सिंपल बोडामास का यूज़ करके था, और इसके बाद जो हम करेंगे कुछ सीरीज़ वाली प्रॉब्लम्स होगी, कुछ पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़, और या तो कुछ जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगी, तो वो सब प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।